क्या मामला है? हम एक साल से अपने ससुराल में परेशान हैं। मेरा 2.5 साल हो गया शादी को, उसके बाद से मतलब ये लोग एक साल के बाद से हमारे साथ मतलब हमारे साथ दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, भगा रहे हैं वहाँ से। कह रहे हैं जाओ 2 लाख नगद रुपए लेके आओ और 12 लाख की कार नहीं ले आओगी तुमको मार के फेंक देंगे जला के। कौन लोग? हमारे पति महेंद्र यादव और ननंद चांद तारा देवी और ससुर। शादी हुई है आपकी? कुंवाड़ी सराय नाइथ। तो आपने की शिकायत की है थाने में? जी कई बार गए, लेकिन एसओ साहब हम लोग को वहाँ से डांट के भगा दे रहे हैं। तो मतलब कह रहे हैं तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत एसएसपी साहब क्या की है आपने? जी कई बार गए हैं, कई बार हम लोग शिकायत किए नहीं सुन रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग एसएसपी साहब के सामने आत्महत्या कर लेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। और हमारे मतलब हम अपने ससुराल से जब वहाँ से आए किसी तरह भाग के आए जान बचा के, वहाँ मेरा गहना भी सारा छीन लिया गया। सब ननद मेरी पति और ये ससुर सास लोग सब मेरा सारा गहना छीन लिए। वहाँ किसी तरह से हम भाग के आए अपने घर पे, तो ये लोग हम यहाँ मेरे घर पे जो ननद है मेरी चांद तारा, ये गुंडा कई गुंडा लेके आई थी, मतलब मेरे भांजे भी थे उसमें और मेरा पति भी। यहाँ आई जब मारपीट करने लगी और मेरा गहना भी छीन ली चांद तारा जो मेरी माँ दी थी यहाँ पहनने के लिए घर पर जब आए, तो ये आई मेरा जब गुंडा। आपके साथ कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं कोई। नाम है आपका? पूजा देव, पूजा यादव। कौन सा गांव है? भागीपुर, चौराइना भागीपुर। जी जिला प्रयागराज। जी मामला है हमारा, ये मामला है कि हम अपनी लड़की के साथ ही कुंवाड़ी में किए थे, उसके बाद उन्होंने जितना दहेज मांगा हमने उनको भरपूर दहेज दिया, और वो जो है हमारी लड़की वो हमेशा परेशान कर रहे हैं, हमेशा मारते पीटते रहते हैं। वो जब भी मांगते हैं हम 10,000, 20,000, 50,000 देते चले जा रहे हैं, सोचते हैं अभी हमारी लड़की को ढंग से रखें, लेकिन वो अभी तब भी नहीं रख रहा है। उसके बाद उसकी बहन जो है कहती भैया मांग मांग के ला उससे पैसा और अपना घर बना, और उसके बाद मारते पीटते रहते हैं। हम समझाते हैं कि चलो हम देंगे, लेकिन जब होगा तभी तो। अभी 3 महीना पहले बहुत मारा पीटा, उसकी आँख में चोट आई, उसको हमने दवा कराया, बच्चों को भी मारा, उसको भी हम दवा करा रहे हैं। उसके पेट में बच्चा था तब भी चांद तारा गई उसको मारी, हम उसको भी दवा करा रहे हैं, दोनों को दवा करा रहे हैं। उसके बाद जो है इसने कहा कि 2 लाख रुपए और कार लेके आपने मायके से, हम नहीं दे पा रहे हैं, मजबूरन हमारे घर में ला करके 10 गुंडों के कट्टा लेकर बम लेकर हमारे घर पे चढ़ाई की चांद तारा, और करके हमारी लड़की को भी मारा। हम हमारे पति हमारी लड़की केवल 2-3 लोग थे घर में, गांव वाले दौड़े तब जा कर के ये लोग भागे हैं। और उसके बाद जो है हमारी लड़की को अंदर घुस के हमारे हम तो गुंडों ने हमको घेर लिया था, हमारे पति को हमको इतने में घुस के हमारी लड़की को मारा, और गहना हमने दिया था, हम कहे हमारी लड़की। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? गए थे हमने थाने पे, गए एसओ साहब कहते हैं कि आप लोग जाइए हम नहीं कर पाएंगे कुछ। अच्छा, और कहीं पे किया है कप्तान? हाँ किए थे, वहाँ भी किए हैं, अब वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, नहीं होगा तो हम अपनी बच्ची को लेकर के वहीं अपना आत्महत्या कर लेंगे बस। अब हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम शीला देवी है।